दिल चाह रहा है कि नहीं नहीं आज नहीं तिलावत करनी, कल कर लूंगा, कल दो सिपारे पढ़ लूंगा, आज दो पढ़ के अपने नफ्स को मारा जाए। अगर आज नफ्स की एक बात मांगनी, कल को ये दो बनवाएगा। फिर ये सवाल होता है कि मैं पिछले जुमे की हदीस सुनाई थी कि रमजान मुबारक के अंदर अल्लाह शैतान को कैद करता है, मोमिन के लिए नेक आमाल करना आसान हो जाता है। यानी आम दिनों में शैतान जिस तरह मुसलमान को घर बना सकता है, रमजान मुबारक में ऐसे नहीं घर बना सकता। फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसके बावजूद भी मुसलमान गुनाह क्यों करता है? रमजान मुबारक में कई लोग गाना सुन रहे होते हैं, ऐसे ही कई लोग फिल्म देख रहे होते हैं, कई लोग जो है गाना गा रहे होते हैं, जबान से गिबत कर रहे होते हैं, कई लोग रोजे ही नहीं रखते, कई नमाज ही नहीं पढ़ते। फिर सवाल तो पैदा होता है, जब शैतान को तो अल्लाह ने बांध दिया, तो अब ये मुसलमान फिर क्यों गुनाह में मुब्तला है, फिर ये अल्लाह के करीब क्यों नहीं जा रहा? तो इसका जवाब ये है, ये सवाल कल मैं पिछले जुमे मैंने जो बयान किया था उस पर यह मुझसे हुआ था कि आपने ये तो बता दिया फिर लोग गुनाह क्यों करते हैं, ये नहीं बताया। तो इसका जवाब ये है कि जब इंसान 11 महीने शैतान की बात मानता है, 11 महीने उसका चेला बन के रहता है, 11 महीने पक्का मुरीद होता है शैतान का, तो एक महीने में अगर शैतान चला भी जाए तो उसका जो असर और जो उसकी आदत है वो इंसान से नहीं जाती। वो 11 महीने का असर, वो जो बुराई का असर है, वो उसके अंदर मौजूद होता है। और एक इंसान के साथ शैतान है और दूसरा इंसान के साथ उसकी नफ्स है, हमारी नफ्स है, उसकी ख्वाहिशात है, जो हमारी ख्वाहिशात हमारे अंदर जो बिगाड़ पैदा कर चुकी है। यानी कि मेरे अंदर ख्वाहिशात है मोबाइल चलाने की, तो ये इतना बिगाड़ पैदा कर चुकी है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता रमजान शरीफ है या नहीं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मस्जिद है या नहीं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मदरसा है या नहीं। मालूम हुआ कि इस इंसान के अंदर बिगाड़ पैदा हो गया, और जब बिगाड़ इस लेवल का पैदा हो चुका कि अब उसको एहसास ही नहीं है कि रमजान है, रोजा है, मस्जिद है, मदरसा है, जब इस चीज का उसको एहसास नहीं है तो फिर वो उसका तदारुक कैसे करेगा? एक आदमी 11 महीने से नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद नहीं आ रहा, अब उसका उसका जो नफ्स है उसके ऊपर जारी हो गया, उसका नफ्स उसके ऊपर हावी हो गया, अब अपने नफ्स को वो कैसे मार देगा, अब अपने नफ्स को कैसे हराएगा? शैतान अब उसको ना भी कहे कि तू मस्जिद में ना जा, उसका नफ्स ही उसे नहीं आने देगा। उसका जो अंदर का बिगाड़ पैदा हो चुका है वो उसको कहेगा कि कोई मसला नहीं है, इतने महीने नहीं गया, क्या कुछ हो गया? अल्लाह ने कोई खाना छीन लिया? अल्लाह ने कोई लिबास छीन लिया? जब इतने महीने को अल्लाह का नाफरमान रहा, अल्लाह ने तुझे सारी चीजें अता फरमाई, तो एक महीना और से तेरे लिए कुछ नहीं। यानी इंसान के अंदर कितनी गंदगी हो जाती है। आप देखें, अगर किसी जगह पे गंद कर फेंकते रहे फेंकते रहे फेंकते रहे, 11 महीने एक जगह पे गंद फेंके और फिर एक महीना कोई फेंकने वाला ना हो, तो क्या वो जगह साफ हो जाएगी? वो गंदी है भाई, गंदी रहेगी, उसको बतकल्लुफ साफ करना पड़ेगा, कोशिश करके साफ करना पड़ेगा। और हमारे दिल का ये जो घर है, ये जो दिल की जगह है, ये काली हो चुकी है, ये गंदी गंदगी से भरी हुई है, अब इसको बतकल्लुफ साफ करना पड़ेगा, कोशिश करके इसको साफ करना पड़ेगा। हदीस पाक के अंदर आता है कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल में एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है, अगर वो तौबा कर ले अल्लाह उसको मिटा देता है, अगर वो तौबा न करे फिर एक और नुक्ता लगा दिया, अगर वो तौबा नहीं करता फिर गुनाह करता है फिर नुक्ता लग जाता है, वो गुनाह करता रहता है तौबा नहीं करता तो उसके दिल में स्याह नुक्ते लगते लगते रहते हैं, यहाँ तक कि उसका दिल काला स्याह हो जाता है। जब काला स्याह हो जाए तो फिर अल्लाह उसके दिल पे मोहर लगा देते हैं। अब हक बात को सुनता है लेकिन उसके पल्ले नहीं पड़ती, वो समझता है उसके पल्ले नहीं पड़ती, उसको सब कुछ पता होता है कि नमाज अच्छी चीज है, रोजा अच्छी चीज है, कुरान अच्छी चीज है, ये लोग अच्छे कर रहे हैं, ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज, लेकिन वो उधर नहीं जाता क्योंकि उसका दिल स्याह और मोर जदा हो चुका होता है। और जब मोर लग चुकी होती है तो उसका फिर कोई कोई तलाफी नहीं, वो इंसान ये कहे कि अब इसकी तलाफी है, बेहतर मोमिन की तो शान ही नहीं है कि वो गुनाह करे, और मोमिन गुनाह में रहे ये भी उसकी शान नहीं है। अगर गुनाह हो गया मोमिन का गाना फौरन अल्लाह से सुलह करे, तौबा करे, माफी तलाफी बात खत्म, तो ये बख्शीश और मग़फ़िरत का महीना है। इसमें अपने लिए, अपने जो दोस्त अहबाब है, रिश्तेदार हैं, सबके लिए दुआ करें, दुआओं का एहतमाम ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा। वो कहते हैं ना यार, काफी सारे ब्रांड्स निकल लेते हैं, लाटरी कोई तो निकलेगी ना।